नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 11 से 15 अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को। इस सीरीज़ को लाने में थोड़ी देर हो गई है, कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि चलन है, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में करते आए हैं, कि इससे पहले हम लोग 6 से 10 अक्टूबर के प्रश्नों को देखेंगे, यानी इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न था कि भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और यह एक गैर लाभकारी संगठन है, तो इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है, और यह एक गैर लाभकारी संगठन है, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कतर, कतर में किया जा रहा था। और तीसरा प्रश्न था कि ड्रैकोनेट क्या है। तो ड्रैकोनेट है, इसके ऑप्शन थे ए एक चक्रवात, बी उल्का बौछार, सी गर्म जल स्रोत, या फिर डी कजाकिस्तान में स्थित एक पर्वत। तो आंसर हो जाएगा बी उल्का बौछार, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बताया जा चुका है बेहतर तरीके से। अब देखते हैं चौथे प्रश्न को कि बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर है पटना के जैतिया गांव में, ठीक है। पांचवा प्रश्न पे चलते हम लोग। इसमें पहला कथन है कि डेंगू एक वायरस जनित उष्णकटिबंधीय रोग है, ठीक है, तो ये वायरस जनित नहीं होगा यहाँ पे। और दूसरा है इसका प्रसार मादा एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा होता है, तो ये सही है। और इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, न्यूज़ को कवर करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक जो होता है हमारा वो इंटरनेशनल न्यूज़ होता है। तो इसमें देखते हैं कि पहली खबर है कि भारत द्वारा 8 से 13 अक्टूबर तक एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास जेट मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत, ठीक है। तो प्रश्न भी बन सकता है कि जेट मानेसर एंटी टेरर 2022 क्या है, तो ये एससीओ का आतंकवाद रोधी अभ्यास है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये जो सम्मान है उसे उनकी पत्नी ने उनके बिहाफ में ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, क्योंकि उनकी मौत हो गई थी अभी हाल फिलहाल में एक इलेक्शन रैली के दौरान, ठीक है। अब देखते हैं आईएनएस तर्कस भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की नौसेनाओं के समुद्री अभ्यास में भाग लेने हेतु दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट गकेबेरहा, ठीक है, गकेबेरहा पहुंचा। अगले देखते हैं अगला जो न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 का नवीनतम संस्करण जारी किया है। तो बीपीएससी ऐसे प्रश्न बनाती है पीटी में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आईएमएफ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगली खबर है कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम थी आवर टाइम्स इज नाउ आवर राइट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 जारी किया गया, इसमें भारत को 121 देशों में 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगली खबर पे चलते हैं कि अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार बैंकों की अस्थिरता व वित्तीय संकट पर शोध हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान किया गया, किनको। तो पहले व्यक्ति है बेन एस बर्नीके, दूसरे हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरे हैं फिलिप एच डैबविंग, ओके। अब चलते हैं अगले सेगमेंट पे, यह है नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज में देखते हैं कि जस्टिस यू ललित के पश्चात जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये 50वें नंबर के न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल पीएमडीवाई को मंजूरी दी है और इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी, ठीक है। अगली खबर है 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ से आपके बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, वहाँ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की निम्न में से किन पार्टियों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट खबर थी और बहुत चर्चा में भी रही थी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के गांव मोढ़ेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। अगली खबर है, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा की सतह पर सोडियम की मात्रा का मापन किया है। अब ये खबर आपके लिए पीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसको मेंस के हिसाब से भी आपको फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान जो है, चंद्रयान टॉपिक जो है, वो बीपीएससी के लिए बहुत फेवरेट रहा है और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो ये चंद्रयान 2 द्वारा सोडियम की मात्रा की खोज की गई है, तो ये अब और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर है, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक लेह लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि चौथा हेली इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बिहार न्यूज पे। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि हम लोग 5-5 दिनों के अंतराल पे कवर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मंथली आपका बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो कवर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं पहली खबर को कि जहानाबाद बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है। तो ये नोट कर लेना है, याद कर लेना है, चाहे जैसे भी हो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि CMII सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर 11.40% है। ठीक है, अब ये अपडेट भी हो गया है। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के T105 नामक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के 11 जिले के 96 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार पहली बार सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया बिहार से रिलेटेड न्यूज को, जो कि 11 से 15 अक्टूबर तक के थे। अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है आज के प्रश्न, और जो इन्हीं न्यूज पर आधारित होंगे और इसके जवाब आपको अगले वीडियो में शेयर किए जाएंगे। और यदि आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं तो आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो चलिए हम लोग सीधे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री विकास पहल योजना का उद्देश्य क्या है। तो आपके ऑप्शन है कि ए, कौशल विकास को बढ़ावा देना, बी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, सी, जनजातीय विकास को प्रोत्साहन, डी, स्टार्टअप के ऋण प्रदान करना, या फिर ये उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। दूसरे प्रश्न पे देखते हैं कि बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए, दरभंगा, बी, जहानाबाद, सी, गया, डी, रोहतास, या फिर ये उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार 2022 में किस उद्देश्य हेतु दिया गया है। तो ये है, ऑप्शन है आपके बैंकों की अस्थिरता व संकट पर शोध हेतु, बी है हरित क्रांति पर शोध हेतु, सी है बेरोजगारी के कारणों पर शोध हेतु, डी है राष्ट्रीय आय की गणना हेतु नवीनतम विधि की खोज हेतु, डी है और फिर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। चौथे प्रश्न पर चलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए, विश्व व्यापार संगठन, बी, खाद्य व कृषि संगठन, सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी, आर्थिक विकास परिषद, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न, जिसके जवाब आप सभी के साथ अगले वीडियो में शेयर किए जाएंगे। और उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप सभी ने हल भी कर लिया होगा, और अगर आपने हल नहीं किया है तो आप वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि इसके जवाब इसी वीडियो में है। बाकी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।